हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें कुछ एग्जांपल्स का सॉल्यूशन करना है, जितने बाकी है वो सब यहाँ पे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो वन बाई वन सॉल्व करते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। How much time does the sun take to shift by 1 degree when viewed from the earth? Okay, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सॉल्यूशन भी साथ साथ रख दिया है। देखो 24 आवर्स कब लगते हैं 360 डिग्री शिफ्ट होने के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो टाइम टेकन फॉर 360 डिग्री शिफ्ट कितना है 24 आवर, तो उस हिसाब से टाइम टेकन फॉर 1 डिग्री शिफ्ट कितना होना चाहिए 24/360। और ये आर में आंसर आएगा, इनटू 60 कर दोगे तो मिनट में आपको आंसर मिलेगा 4 मिनट, ओके। तो ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि 360 डिग्री पे 24 आर टाइम लगता है, तो 1 डिग्री शिफ्ट होने के लिए हाउ मच। फिर जो टाइम मिलेगा वो 1 × 24/360 होगा, बट ये आर में होगा, आप 60 से मल्टीप्लाई करो तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9.5 का सॉल्यूशन हो गया। 9.6 देखते हैं। 9.6 में देखो, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस। चलो ग्लास सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.5, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। चलो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है यू, कितना है 100 सेंटीमीटर, ओके। ये -100 रहेगा। एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब वी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, फॉर्मूला है -N1/U + N2/V = N2 - N1/R। स्फेरिकल ग्लास सरफेस आपको दिया हुआ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -1/-, क्या रहेगा 100 प्लस 1.5/V, क्योंकि n की वैल्यू ये N2 हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, और एयर है बाहर, बाहर आउटर मीडियम अगर कोई आपको ना दे तो बाय डिफॉल्ट एयर ले लो, ठीक है। N2 - N1 मतलब ये 1.5 - 1/20, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। बस ये सॉल्व कर लो, आपको पोजीशन ऑफ इमेज मिल जाएगी, ठीक है। 9.7 देखते हैं अभी। A magician during a show makes a glass lens with refractive index 1.47 disappear in a trough of liquid. What is the refractive index of the liquid? Obviously, refractive index or अगर liquid और glass lens दोनों का same हुआ तभी वो disappear होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड भी क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस जितना, मतलब कितना 1.47। कुड द लिक्विड बी वाटर, तो वाटर तो हो नहीं सकता क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। तो 1.47 के आसपास जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो आएगा, जैसे कि ग्लिसरीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो वाटर नहीं होगा, कौन सा होगा, ग्लिसरीन, ठीक है। अभी देखते हैं एग्जांपल 9.8। इफ फोकल लेंथ इक्वल टू 0.5 मीटर फॉर अ ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो ये फर्स्ट तो एकदम इजी है, देखो आपको पावर फाइंड करना है तो P इक्वल टू क्या करोगे 1/F, 1/F मतलब 1/0.5, मतलब कितना आएगा 2 डायोप्टर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।
पावर ऑफ लेंस है वो 2 डायोप्टर है प्लस 2 डायोप्टर, माइनस भी हो सकता है अगर कॉनकेव लेंस होता तो। ये कौन सा लेंस होगा? कॉनवेक्स, क्योंकि फोकल लेंथ आपको दी हुई है प्लस 0.5। ठीक है, चलो ये फर्स्ट का हुआ सॉल्यूशन। सेकंड देखते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसिस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब देखो, डबल कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। डबल कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है? तो ऐसी सरफेस होगी, बीच में ब्रॉड होगा और अपर एजिस पे थिन होगा। ओके, सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है और मैं अगर रे यहाँ से इंसिडेंट कराता हूँ, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस। तो जो फर्स्ट सरफेस आएगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको लेना पड़ेगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सरफेस का इमेजिनरी स्फीयर ऐसे बनेगा और उसकी रेडियस यहाँ तक जाएगी इस तरफ, तो आपको R1 है वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और जो सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस के लिए स्फीयर ऐसे बनेगा और इस तरफ रेडियस आएगी R2, तो R2 आपको लेना पड़ेगा नेगेटिव, अदरवाइज आंसर्स है वो रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखो, डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो जिसको भी आप सरफेस 1 बोलो उसको पॉजिटिव ले लो। सपोज़ मैं 10 सेंटीमीटर को R1 बोल देता हूँ, तो R1 इक्वल टू मुझे लेना पड़ेगा प्लस 10 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू लेना पड़ेगा माइनस 15 सेंटीमीटर। हाँ, अगर मैं R1 इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर ले लूँ, ये R1 15 को बोल दूँ तो उसे प्लस बोलना है और R2 इक्वल टू माइनस 10 बोलना है। मतलब जिसको भी आप फर्स्ट सरफेस नाम दो वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि लेंस में आप रे इधर से इंसिडेंट कराते हैं तो ये सरफेस फर्स्ट बनती, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेना पड़ता। ठीक है, चलो ये R1 R2 हो गया, इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, तो F इक्वल टू यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होना चाहिए? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे आप सराउंडिंग मीडियम दिया नहीं है तो आप समझ लो कि ये एयर है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू आपको दिया होगा एयर। ठीक है, यहाँ पे तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? तो 1/F इक्वल टू N-1 इंटू 1/R1-1/R2। चलो 1/F मतलब ये 12, ये N-1, ये 1/10 माइनस 1/-15, तो N-1 1/10 प्लस 1/15 हुआ ये, तो 1/12 इक्वल टू N-1, ऊपर हो गया 25, एडिशन मैंने डायरेक्ट कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो N-1 मुझे मिलेगा 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 12 इंटू 25। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 1/2 और n इक्वल टू 1 + 1/2 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो यहाँ पे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया 1.5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, वॉट इज फोकल लेंथ इन वाटर? चलो, एयर के लिए फोकल लेंथ आपको कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, और वाटर के लिए फोकल लेंथ आपको निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास 1.5, तो मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को अगर 1 बोल दूँ तो वाटर के लिए आएगा 1.33 और ग्लास के लिए आएगा 1.5।
तो देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक तो R1 R2 की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब वो जो स्टेप आता था ना फॉर्मूला में 1/R1 - 1/R2, वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो जो फर्स्ट केस है उसकी हेल्प से ये निकालो और ये जो मिल जाए उसको सेकंड केस में रख दो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में से 1/R1 - 1/R2 अलग निकालो और सेकंड क्वेश्चन में वैल्यू रखनी है सिर्फ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन एयर, चलो एयर के लिए 1/F है। अब लेंथ तो ग्लास का ही है, मतलब NG/NA/NA इंटू 1/R1 - 1/R2। एयर के अंदर कितना दिया हुआ है आपको, 20 इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 1.5 - 1/1 और 1/R1 - 1/R2। तो यहाँ पे बनेगा 0.5, नीचे लेके आओ तो 1/10 इक्वल टू क्या बना, 1/R1 - 1/R2। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। जैसे मैंने कहा था 1/R1 - 1/R2 निकालो और उसको सेकेंड केस के अंदर रख दो। तो अभी सेकेंड केस में रखते हैं। चलो सेकेंड केस में क्या करेंगे, तो इन वाटर सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, FW 1/FW इक्वल टू N glass / N water / N water इंटू 1/R1 - 1/R2। करना क्या है यहाँ पे, 1.5 - 1.33 / 1.33 और यहाँ पे हो गया 1/10, ठीक है। ये 1/FW मिलेगा, फिर आप FW निकाल सकते हो, तो उतना कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 1/FW मिल जाएगा, उसकी हेल्प से FW आप निकाल सकते हो। ओके, तो अभी चलते हैं एग्जांपल 9.9 पे। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन फिगर। देखो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि तीन लेंस है, इसको हम 1 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो F1, ये F2 और ये F3 है। ओके, ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो फर्स्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। और आपको पोजीशन निकालनी है इमेज की। चलो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंस 1 से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। लेंस 1 के लिए डेटा लिखते हैं। चलो लेंस 1 के लिए फोकल लेंथ क्या है, तो कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए दिया हुआ है +10। तो ये +10 ले लेते सेंटीमीटर में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर, रियल ऑब्जेक्ट है इसलिए, और इमेज डिस्टेंस निकालना है तो u1 v1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, -1/u1 यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, -1/u1 + 1/v1 = 1/f1। तो -1/-30 + 1/v1 = 1/10 आएगा। तो 1/v1 आपको मिलेगा 1/10 - 1/30। तो 1/v1 LCM ले लो 30, ऊपर आ जाएगा 3 - 1 मतलब 2, तो 2/30 मतलब 1/15, तो v1 इक्वल टू आपको मिल गया 15 सेंटीमीटर। अब देखो ये v1 आपको पॉजिटिव मिला है, पॉजिटिव मिला है मतलब क्या, कि जो इमेज है वो आपको ऑपोजिट मिलेगी टू द लेंस। तो इमेज यहाँ पे बनेगी, देखो कैसे, क्योंकि ये लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर,
है ना। तो इमेज है वो ये लेंस से, देखो आपको शायद कलर में दिखेगा नहीं, तो इमेज यहाँ पे बनने वाली है और जो ये वाला लेंस है उससे 15 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ पे ये 5 + 10 कितना हो गया, 15, ठीक है। तो मतलब क्या कि सेकेंड लेंस के लिए अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो मुझे इतना ही डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हो गया 15 - 5 = 10। तो लेंस टू के लिए मैं जब सॉल्यूशन करूं तब मुझे फोकल लेंथ दी हुई है -10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 15 - 5, मतलब वो 10 सेंटीमीटर। चलो प्लस आएगा या माइनस, तो यहाँ पे देखो जो रे जा रहा है इंसिडेंट रे, वो सपोज यहाँ से निकला और ऐसे जा रहा है, या तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट आप ले लो, यहाँ से ऐसे रे गया फिर ऐसे जा रहा है, और वो कहाँ पे जा रहा है, तो रिफ्रैक्ट होके सेकेंड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे। तो इंसिडेंट रे है वो यहाँ पे देखो तो राइट हैंड साइड है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी राइट हैंड साइड मिल रहा है, मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है वो सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हम पोजीशन यहाँ से काउंट करते हैं, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और उसी डायरेक्शन में हमें यहाँ पे पोजीशन मिल रही है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा पॉजिटिव, ठीक है। चलो और इमेज डिस्टेंस निकालना है, मतलब v2 निकालना है। लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, -1/u2 + 1/v2 = 1/f2, तो -1/10 +1/v2 = 1/-10, 1/v2 आपको मिलेगा 0 और v2 मिल जाएगा इनफाइनाइट। मतलब जो यहाँ से जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उस वहाँ से जो रे निकला था वो बन गया पैरेलल, और वो तो वैसे भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इंसिडेंट रे हमें ऐसा लगे कि लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे जा रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल बनेगा। तो लॉजिकली भी आप सोच सकते हो कि रे पैरेलल बनेगा, मतलब इमेज डिस्टेंस आएगा इनफाइनाइट। अब जो इनफाइनाइट बना है इमेज डिस्टेंस, वो ये लेंस के लिए बनेगा ऑब्जेक्ट। तो जब लेंस 3 के लिए आप कैलकुलेशन करो तब आपको f3 दिया हुआ है 30 + 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है इन्फिनिटी, और इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है v3। तो -1/u3 + 1/v3 = 1/f3, -1 ये इनफाइनाइट तो वो तो 0 हो गया, तो यहाँ पे v3 आपको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। मतलब जो फाइनल इमेज बनेगी वो लास्ट लेंस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर पे मिलेगी, और वो भी हमें लॉजिकली पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे पैरेलल बना है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पे जाके मिलेगा, प्रिंसिपल फोकस पे, और थर्ड लेंस का फोकस इतना दूर होना चाहिए 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, तो ये बनेगी फाइनल इमेज आई। क्लियर। चलो तो ये एग्जांपल 9.9 का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।